एवरीवन, मैं हूँ सृष्टि एंड बहुत दिन हो गया कि मैं कोई रिसेंट टॉपिक के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ. सो आई डिसाइडेड कि आज मैं बात करूँगी. जब आप कुछ चाहते हो, कोई विश है, अभी विशेस हमेशा ऐसा नहीं होंगे कि मैंने कुछ प्रे किया एंड मिरेक्युलसली वो मेरे लाइफ में होना है. आप किसी चीज़ के ऊपर वर्क भी कर रहे हो, एक्शंस भी ले रहे हो. जैसे कि मान लीजिए आप अपने बच्चे को कोई एक पढ़ाई सिखाना चाह रहे हो, या फिर आप अपने बिजनेस में ग्रोथ चाह रहे हो, या फिर कुछ भी एक काम करना चाह रहे हो एंड यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन दैट एंड वो नहीं हो रही है, उस टाइम पे क्या करना चाहिए? देखिए, हर एक चीज़ का एक वक्त होता है एंड आई वुडंट से कि आप अगर ऐसा टेक्निक फॉलो करोगे तो वो तुरंत वो काम हो जाएगा. ऐसा नहीं होना है. मतलब ऐसा हो भी सकता है कि काम बन जाए, नहीं भी हो सकता है. सो यू डोंट नीड टू टेक द प्रेशर एंड ऐसा नहीं सोचना कि हाँ मैंने तो ये कर लिया तो ये काम बन जाना चाहिए, अभी नहीं बन रहा है तो क्यों नहीं बन रहा है, तो पैनिक हो गया, टेंशन हो गया. इट्स नॉट लाइक दैट. देखिए, जब कोई एक आपने विश है तो आपने उसके ऊपर एक्शंस ले रहे हो एंड वो काम नहीं बन रही है, तो हर एक चीज़ का अपना एक वक्त होता है. इस चीज़ को पहले एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है, ये शायद सही वक्त नहीं है, अभी आपको चाहिए अभी, लेकिन उसको अभी नहीं होना है. तो आपको क्या करना है उस टाइम पे, थोड़ा पेशेंटली वेट करना है. अभी वेट करना मतलब ऐसा नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, आप एक्शंस लेते रहो, कर्मा करते रहो करते रहो. जब एक स्टोन रहता है ना, एक स्टोन रहता है उसके ऊपर पानी बहती जाती है, या फिर एक रस्सी होती है, उस रस्सी से आप पानी उठा रहे हो कोई कुएं से या कहीं से, तो वहाँ पे जो स्टोन रहता है उसके ऊपर भी ना थोड़ा 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 वो एक पतला सा रस्सी या फिर एक पानी जो बह के जा रही है, कोई फोर्स उस हिसाब से नहीं दे रही है, वो भी एक छाप छोड़ जाती है एक टाइम के बाद. तो हर एक चीज़ का आप जितना एफर्ट्स दे सकते हो उतना देते जाओ, वो चीज़ बनेगा. इतना क्लैरिटी रखो कि अगर आप कर्म कर रहे हो तो वो बेफालतू नहीं जाएगी. हाँ, हो सकता है थोड़ा वक्त लग जाएगा, जिस तरीके से आप चाह रहे हो उस तरीके से नहीं होगा. हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो उससे भी बेहतर कुछ होना है. हो सकता है कि आपका सोच जिस तरीके से उसको प्लॉट कर रही है वो कुछ अलग एंगल से प्लॉटेड हो रही है. सो अदर थिंग्स कैन हैपन, क्योंकि हम एक नॉर्मल ह्यूमन बींग है एंड हमारे पास में जितना IQ है उससे भी ज़्यादा चीज़ें इस दुनिया में चलती रहती है. सो ऐसे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हो सकते हैं, बट इतना याद रखना कि वो चीज़ बननी है एंड उस टाइम पे ना आपको बस पेशेंस रख के उस एक्शन को कंटिन्यू करना है. अभी अलग अलग सिचुएशन है, जैसे कि आपके बच्चे को पढ़ाना है सिखाना है कोई एक चीज़ में, तो बच्चा बहुत ज़्यादा नॉटी है या फिर नहीं हो रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना है, उसको सिखाते जाओ. धीरे धीरे एक टाइम के बाद वो सीख ही जाएगा. हो सकता है कि अभी नहीं हो रहा है, कुछ दिन बाद हो जाएगा. हर किसी का सीखने का टाइम सेम नहीं होता है. सिमिलरली आप अपने बिजनेस में ट्राई कर रहे हो, उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो. हो सकता है कि आप जो तरीके से कर रहे हो उसमें थोड़ी सी कुछ गलती हो रही होगी, या फिर आपको कुछ तरीके चेंज करने होंगे, या फिर हो सकता है कि इसी तरीके से आपको करना है बट अभी अभी रिजल्ट नहीं आ रही है. मे बी द क्लाइंट्स विच आर अप्रोचिंग वो इंटरेस्टेड नहीं है, आप सही क्लाइंट बेस को नहीं हैंडल कर पा रहे हो. तो उस टाइम पे ना अपने दिमाग को चलाओ कि मैं और क्या कर सकती हूँ, और क्या कर सकता हूँ, व्हाट आर दी ऑल्टरनेटिव्स दैट आई कैन टेक. ना कि परेशान होना कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा है. हो सकता है कि उस तरीके से नहीं होना है उस चीज़ को, आपको चेंज करना होगा तरीका. सो व्हेन योर विशेस आर नॉट गेटिंग फुलफिल, जिसमें एक्शन ओरिएंटेड है, उसमें आपको पेशेंस नहीं लूज करना है. अभी सेकेंड टाइप ऑफ विश होता है, मैं इसी वीडियो में कवर कर देती हूँ. सेकेंड टाइप ऑफ विश होता है जिसमें आप अपना एक्शन नहीं ले सकते हो. जैसे कि आप उसमें थोड़ा सा मिराक्युलसली कुछ चीज़ें होनी है. जैसे कि मान लो कि आपका विश है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिश्ता मिल जाए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए जो डायरेक्टली आपके हाथ में नहीं है. मुझे एग्जांपल्स याद नहीं आ रहे अभी. हो सकता है कि पर्टिकुलर काइंड ऑफ पार्टनर, हाँ आप पार्टनर सर्च कर रहे हो, ऐसे सिचुएशंस में प्रेजेंट हो रहे हो जहाँ पे आपको और नए नए लोग मिले, उतने एक्शन आप ले सकते हो. बट एग्जैक्टली जो आपके लिए सही पार्टनर होगा, या फिर वो थोड़ी डेस्टीन्ड होती है ना, कुछ चीज़ें मिराक्युलस होती है, डेस्टीन होती है, वो हमारे हाथ में डायरेक्टली नहीं रहती है. तो जो चीज़ आपके हाथ में डायरेक्टली नहीं है उसके लिए आपको प्रे करके, उस एनर्जी के ऊपर ट्रस्ट करके, यूनिवर्सल सोर्स एनर्जी के ऊपर ट्रस्ट करके उसको छोड़ देना है, उसको बहने देना है. जिस टाइम पे वो आपके पास फ्लो बैक करने का वक्त आ जाएगा ना, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. आप जैसा विश को छोड़ोगे वो वैसे ही मैनिफेस्ट बैक होके तैयार होके आपके पास आनी है. आप रॉ मटेरियल्स दोगे, आप अपने थॉट प्रोसेसेस को दोगे, डेटा को दोगे, वो इन्फॉर्मेशन बन के आपके पास आ जाएगी, प्रोसेस होके आ जाएगी. सो सिमिलरली आपको उस टाइम पे जो चीज़ें आपके हाथ में डायरेक्टली नहीं है
उन चीजों को बस सोच के, प्रे करके, ट्रस्ट करके छोड़ देना है एंड फिर उसके पीछे नहीं लगना है, बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं उनके पीछे लगना है। ये मैं पहले समझ नहीं पाती थी, आज जो मैं बोल रही हूँ ना, मुझे ये चीज कभी कभी समझ पाती थी लेकिन कभी कुछ कुछ सिचुएशंस में एग्जीक्यूट नहीं कर पाती थी, या फिर कुछ सिचुएशंस में मुझे आता था ये टेक्निक को फॉलो करना, कुछ सिचुएशंस में नहीं आता था। सो किसी भी चीज़ में ना हार नहीं माननी है, अगर आपको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए तो सिचुएशन वजह से कि कुछ किसी इंसान को अगर आप चाहते हो तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, दबा के उसको अपने पास नहीं ला सकते। सो बस प्रे करो, प्यार करो दूर से, या फिर कुछ चीज़ें अगर विश है, कोई एक पर्टिकुलर जॉब, टाइप ऑफ जॉब चाहिए आपको, कोई एक बिजनेस क्रैक करना है, कोई क्लाइंट बेस चाहिए, ये चीज़ आपके हाथ में डायरेक्टली नहीं होती है, ये थोड़ी सी मैच मेकिंग जैसी होती है, मतलब अपने आप आ जाती है। आप सर्च जरूर कर सकते हो और जगह पे जा जरूर सकते हो, लेकिन आपको मिलेगी कब या मिलेगी या नहीं वो डायरेक्टली आपके हाथ में नहीं होती है। लेकिन कोई एक स्किल सेट में सीखना, उसमें डायरेक्टली आपके हाथ में थोड़ी बहुत रहती है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने के हिसाब से होता है। किसी किसी का प्रैक्टिस करने से जल्दी हो जाता है, किसी किसी का कम, मतलब देर से होता है। सो जैसा भी सिचुएशन है, जिसमें लगे पड़े रह सकते हो उसमें लगे पड़े रहो पेशेंटली, शांति के साथ में। जिसमें हाथ में नहीं लगे पड़े रह सकते हो, बस उसको अपने आप होने देना है, उसको प्रे करके छोड़ दो। तो जैसे सिचुएशन है उसी में वैसे रहो, और अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं लानी है, जो कि मेरे अंदर भी बहुत बार हो चुकी है कि होगा कि नहीं होगा, शायद नहीं होगा, जाने देते हैं। तो बहुत डेस्परेशन हो रही है तो जाने दो उस टाइम के लिए, बट जिस टाइम पे आपको प्रे करनी होगी ना, उस टाइम पे दिल से प्रे करो और फिर उससे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, रिलीज आउट कर लो खुद को, क्योंकि उस चीज़ को खिच 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 अपने अंदर चलाओगे ना तो इम्पेशेंट हो जाओगे और फिर कुछ भी काम ठीक से नहीं बनेगा। तो जितना हो सके रिलैक्स बन जाओ, एक गहरी सांस लो, उसको छोड़ो, इट्स ओके बोल के फिर अपने काम में लग जाओ। थैंक यू सो मच, यही था आज का एक छोटा सा ज्ञान। और आप लोग को कोई भी चीज़ के बारे में जानना हो, अगर मुझे उस चीज़ के बारे में पता है एंड आप लोग को लगता है कि मैं आप लोगों को हेल्प कर सकती हूँ, तो ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।